सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज जिसका आप लोगों को इंतजार था वर्षों से नहीं, मेरा मतलब कि कुछ दिन से, तो मतलब वो समय आ चुका है। और आप लोगों के लिए मैंने बोला था कि सिंगापुर का ट्रिक लाऊंगा, तो फाइनली आज सिंगापुर का फर्स्ट टाइम ट्रिक ला लिया हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखना किस तरह से ट्रिक वर्किंग करेगा, सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो देख सकते हो सबसे पहले हम लोगों ने इस ट्रिक को यूज़ करके लगा दिया है यहाँ पे मैच, और हमारा मैच कनेक्ट हो चुका है बलदीप भाई के साथ। और देख सकते हो यार टर्न हमारी आई है ब्रेक, तो इस तरह से ट्रिक वर्किंग करेगा। और कब तक ये वर्किंग करेगा इसका मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो आप लोग वीडियो को एंड तक, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से ट्रिक वर्किंग है, किस तरह से ट्रिक नहीं वर्किंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से हिट किया, ठीक है। देखो भाई सबसे पहली बात तो आप लोगों को सिंगापुर में मैच लगाना ही नहीं है, न्यूयॉर्क में भी नहीं लगाना है, ओनली आपको सिंगापुर लगाना है या फिर कैरो गैलरी में, ठीक है। सो गाइस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही कमेंट किया था मेरे वीडियोज़ पे, हर वीडियोज़ पे कमेंट करते हो कि भाई फर्स्ट एंड ट्रिक का वीडियोज़ लाओ, फर्स्ट एंड ट्रिक का वीडियोज़ लाओ सिंगापुर में। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यार सिंगापुर तो आप लोग सबसे पहले बात खेलना ही नहीं, इसमें ना कोई सा भी ट्रिक वर्किंग नहीं कर सकता, इसका मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। वर्किंग करेगा तो 2 से 3 बार वर्किंग कर सकता है, लेकिन कभी कभी ना यार कोई जितना भी बड़ा ट्रिक यूज़ करो वो सब कुछ फेल हो जाएगा, ठीक है। तो बेकार है, और सिंगापुर में मैच भी मत लगाना, गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। तो देखो इस बार हम लोग का टर्न आया, उसके बाद हम लोग का मैच देखो कहाँ पे लगता है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके बाद का ट्रिक, उसके बाद देखो आप लोग न्यूयॉर्क में हम लोग को टर्न मिलता है कि नहीं। तो पहले इसको हम लोगों ने फिनिश कर लेते हैं। और गाइज 2 से 3 दिन अभी, 3 से 4 दिन, ठीक है, कम से कम वीडियोस नहीं आ पाएंगे क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी नेपाल, ठीक है। तो मैंने सोचा जल्दी वीडियोस बना लूँ, इसलिए आज मुझे जल्दी वीडियोस अपलोड करना पड़ रहा है। तो मैं 2 से 4 दिन वीडियोस नहीं ला पाऊँगा, मैं चल जाऊँगा नेपाल, तो इसके लिए सॉरी। बट जैसे ही आऊँगा ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाऊँगा, ज़बरदस्त वीडियो। पेरिस टू सिंगापुर का वीडियो आप लोगों को चाहिए था, किसी भाई ने कमेंट किया था, तो उसको मैं बहुत ही जल्द मतलब देने का कोशिश करूँगा वो वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने विन कर लिया है, फिर से इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। देखो गाइस सिंपल इसे आपको मिनिमाइज़ कर लेना है मैच विन करने के बाद, ठीक है। मैच विन करने उसके बाद स्ट्राइकर पे क्लिक करना है, स्ट्राइकर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको स्ट्राइकर चेंज करना है, ठीक है, कोई सा भी स्ट्राइकर हो। यहाँ से मैंने टैटू स्ट्राइकर को ले लिया, और यहाँ से कुछ इस तरह से पक को भी चेंज कर लेना है, ठीक है। अभी चेंज कर लिया, फिर से हम लोगों ने मैच लगा दिया सिंगापुर में। सिंगापुर में हम लोगों ने मैच लगा दिया, अब देखो कनेक्ट हो जाता है हम लोग का न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो देख सकते हो हम लोग का मैच कनेक्ट हो चुका है न्यूयॉर्क में इजहार भाई के साथ। तो ब्रेक हमारी आई है गाइस, देख सकते हो सिंपल से ये ट्रिक यूज़ करके। यार कभी कभी लगता है न्यूयॉर्क में भी मतलब ब्रेक मिल जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस ट्रिक से आप लोग मतलब ले सकते हो थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर नहीं कि आप 4-5 बार ले सकते हो, 1-2 बार करके चांस ले सकते हो अब इसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने इस मैच को भी विन कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग इस ट्रिक को यूज़ करके आप लोग खेलो ही मत यहाँ पे सिंगापुर में, ठीक है, क्योंकि वर्किंग नहीं करेगा, कोई सा भी ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं। सो यहाँ पे मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ वही सा ट्रिक, और फिर से यहाँ पे मैं लेजेंडरी स्ट्राइकर को सेलेक्ट करूँगा कोई सा। यहाँ पे मैंने कैनॉट स्ट्राइकर को लिया, और पक चेंज करूँगा, यहाँ से मंगमा पक को ले लिया मैंने, और फिर से हम लोगों ने सिंगापुर में लगा दिया, और 1 करोड़ के कॉइन्स हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमारा मैच लग चुका है कबीर भाई के साथ। तो ब्रेक हमारी आ चुकी है देखो गाइस, तो इस मैच को भी हम लोग इजीली विन कर लेते हैं, ओपोनेंट लीप कर देते हैं। तो देखो ब्रेक हमें मिला 3 ब्रेक कंटिन्यू। अब आप लोग समझ सकते हो इसके बाद का जो गेम है वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, देखो उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि ट्रिक वर्किंग कर रहा है कि नहीं। तो इस ट्रिक का मतलब देखो गाइस कोई सा भी ट्रिक का कोई गारंटी नहीं है सिंगापुर में वर्क करेगा, ठीक है, ज़्यादातर। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सिंगापुर खेलो ही मत, मुंबई अरेना खेलो, मुंबई अरेना बहुत बेस्ट है। कोई सा भी ट्रिक यूज़ करो मिनिमाइज करके, तो आपको ट्रिक काम कर जाएगा, ठीक है। काम करने का चांस मतलब ज़्यादा रहता है, और ना काम करने का चांस मतलब थोड़ा कम रहता है, ठीक है, लेकिन काम करेगा 100% गारंटी। और यहाँ पे देखो हमारा मैच लग चुका है वायरस के साथ, वायरस वाई के साथ 150 लेवल, और देखो यार ये ब्रेक मिल गया ओपोनेंट को। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि यार ऐसे गलती मत करना, सिंगापुर खेलना ही मत कभी भी अगर कॉइन्स जमाना है तो, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग सारा कॉइन्स खो दोगे। सो गाइज आई होप आप लोग को आज का वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि सिंगापुर नहीं खेलना है। मिलते हैं गाइज बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।